आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हमारा तो क्वेश्चन कहता है हमारा जो तो फर्स्ट ओवरटोन है ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इट इज बीटिंग विद दी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और उसकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमें कितनी दे रखी है इट इज गिवन टू बी 2.2 हर्ट्ज़ हमें बता हमें बताया गया है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज ऑर्गन पाइप की इट इज वन हंड्रेड एंड टेन हर्ड्स हमें बताना है लेंथ क्या होगी हमारे ओपन ऑर्गन पाइप की ठीक है वी आर गिवन द साउंड ऑफ एयर इज थ्री हंड्रेड एंड थर्टी मीटर्स पर सेकेंड तो हमें क्या पता है पहले अगर हम बात करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की क्लोज ऑर्गन पाइप ठीक है तो उस केस में हमें क्या दे रखा है हमें दे रखी उसकी fundamental frequency है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना कितनी देर रखी हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इट गिवन टू बी वन वन जीरो हर्ट ठीक है फिर हमसे पूछा है कि उसका जो फर्स्ट ओवर टोन होगा ठीक है क्लोज ऑर्गन पाइप का अगर हम फर्स्ट ओवर टोन की बात करें फर्स्ट ओवर टोन ठीक है तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट ओवर टोन उसकी एल्यू क्या होगी हमारी अगर हम उसको एफ वन बोले दैट वुड बी इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एफ नॉट ठीक है ये फॉर्मूला होता है तो इससे हमारे पास क्या आएगा एफ वन एफ वन हमारे पास आएगा थ्री इंटू वन हंड्रेड टेन और थ्री हंड्रेड एंड थर्टी हर्ट्स ठीक है ये हमारा एफ वन है अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन पूछ रहा है अब हमसे कह रहा है कि ये जो हमारी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन थी एफ वन इट इज बीटिंग विद फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ठीक है अब हम बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप की ओपन ऑर्गन पाइप ठीक है तो अब अगर हम देखें उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ओपन ऑर्गन पाइप की वो हो क्या होती है एंड टाइम्स ऑफ वी अपॉन टू टाइम्स ऑफ एल ठीक है हमें क्या निकालनी है फर्स्ट ओवरटोन तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ओवरटोन की तो उस केस में हमारे पास क्या है हमें पता है कि फर्स्ट ओवरटोन के केस में जो हमारा एन होता है दैट इज टू बिकॉज वो सेकेंड हारमोनिक होता है तो उस केस में हमारा जो एफ वन डैश आएगा दैट विल इक्वल टू टू वी अपॉन टू टाइम्स और हम इसको बोल सकते हैं ये टू टू कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आएगा एफ वन डैश इज इक्वल टू वी बाय एल ठीक है ये हमारी एफ वन डैश की वैल्यू है अब हमें क्या पता है जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी ठीक है अगर हम बात करें बीट फ्रीक्वेंसी वो हमें कितनी दे रखी है वो हमें दे रखी है हम इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे इट इज गिवन टू बी 2.2 पॉइंट है ना तो इट इज 2.2 पॉइंट ये हमारी बीट फ्रीक्वेंसी है हमें क्या पता है जो तो एन होगा दैट वुड बी इक्वल टू एफ वन माइनस एफ वन डैश का मॉड्यूलस ठीक है तो अगर हम इस केस देखें हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएंगे एन एफ वन डैश की दो वैल्यूज ठीक है एक होगा हमारा एफ वन डैश इज इक्वल टू एफ वन प्लस एन और दूसरा हमारा होगा एफ वन डैश इज इक्वल टू एफ वन माइनस एन दोनों के लिए हम आंसर निकालते हैं पहले हम एफ वन डैश इज इक्वल टू एफ वन प्लस एन के लिए निकालते हैं तो एफ वन डैश कहता है हमारा वी बाई एल दिस इज इक्वल टू एफ वन हमारा थ्री थर्टी प्लस टू पॉइंट टू ठीक है वी की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एल हमारे पास आएगा 330 हंड्रेड एंड थर्टी अपॉन थ्री इन मीटर ठीक है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी एल इज इक्वल टू जीरो मीटर ये हमारी लेंथ है सिमिलरली अगर हम दूसरे केस में देखें हमारे पास ये क्या केस है वी अपॉन एल इज इक्वल टू थ्री थर्टी माइनस टू पॉइंट टू इसकी आएगी हमारा एल हमारा पास आएगा इट इज इक्वल टू थ्री थर्टी अपॉन थ्री ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट दिस इज ऑल्सो इन मीटर हमारी जो लेंथ आएगी कितनी आएगी वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन मीटर ठीक है ये हमारी इनमें से कोई भी एक लेंथ हो सकती है इस केस में अगर हम देखें हमारे ऑप्शंस हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर है इस केस में विच इज ऑप्शन नंबर सी वेन उट फर्स्ट केसर फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करे डाउट ने टाट्स कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप